हॉरर कहानियां टीवी जमीन के नीचे पार्ट 2। नव्या की बात सुनकर उसकी दादी को भी लगता है कि शायद नव्या सच कह रही थी और सुमित्रा को कोई गलत फहमी हुई थी। लेकिन नव्या जब अपने कमरे में जाने लगी तो उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। कुछ देर के बाद एक बार फिर चारों तरफ रात का सन्नाटा पसरा हुआ था। राठी परिवार गहरी नींद में वहां सो चुका था और वहां नव्या अपने कमरे में बड़े ही बेढंगे तरीके से चारों तरफ देख रही थी। उसकी नजरें जिधर भी जाती उधर रखा सारा सामान जल जाता। देखते ही देखते पूरे कमरे में रखा हुआ सामान जला हुआ सा दिखने लगा। अगले ही पल नव्या ने अपने सामने रखे सिंदूर को अपने माथे पर रगड़कर लगा लिया। उसकी गर्दन टेढ़ी हो चुकी थी और आंखें उगल रही थी। देखते ही देखते नव्या बहुत ताकतवर हो गई। उसने जोर से एक हाथ जमीन पर दे मारा। उसके ऐसा करते ही उसके कमरे का फर्श टूट गया और एक बड़ा सा गड्ढा वहां पर नजर आने लगा। नव्या उस गड्ढे के अंदर झांक कर देखने लगी। तभी वहां से एक आवाज आई, चलिया, मुझे तुम्हारी जरूरत है, चलिया। इस आवाज को सुनते ही नव्या ने उस गड्ढे में छलांग लगा दी। लेकिन ठीक उसी वक्त नव्या की दादी किसी काम से उसके कमरे में बाहर पहुंची। जब नव्या ने दरवाजा नहीं खोला तो दादी ने कमरे की खिड़की से झांक कर देखा और अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। लेकिन दादी के मुंह से डर के मारे कोई आवाज नहीं निकली। अगली सुबह जब राठी परिवार के लोग सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि दादी घर के आंगन में बेहोश पड़ी हुई थी। उनके हाथ पैर पूरी तरह से अकड़ गए थे और गर्दन टेढ़ी हो चुकी थी। दादी की ये हालत देखकर नव्या के पापा रतन और उसकी माँ सुमित्रा दोनों बुरी तरह से घबरा गए। अरे अरे माँ को ये क्या हुआ? अरे कल रात तक तो बिल्कुल ठीक थी, अचानक से माँ की हालत ऐसे कैसे हो गई? तुमने कल रात को माँ को उनके कमरे में देखा नहीं था क्या? मैंने तुमसे कहा था ना कि उनकी दवाइयाँ देकर आओ। कल रात को 12 बजे मैं माँ के कमरे में दवाई देने गई थी, उस वक्त तो अपने बिस्तर पर आराम से सोई हुई थी। नव्या लगातार अपनी माँ और पापा को परेशान और घबराया हुआ देख रही थी। लेकिन उसके चेहरे के एक्सप्रेशन कुछ अजीब से थे। उसने एक नजर अपनी दादी की तरफ देखा और फिर बड़ी ही शांति से मुस्कुराते हुए उनके पास आई। नव्या ने अपनी दादी के माथे पर हाथ फेरा और धीरे धीरे उनसे बातें करने लगी। कल रात को माँ ने जिसे आपके कमरे में सोते हुए देखा था वो आप तो थी ही नहीं दादी, लेकिन मेरी सीधी सादी माँ को ये बात कैसे समझ आएगी? क्या हुआ नव्या, अपनी दादी से क्या कह रही हो तुम? कुछ नहीं मम्मी, दादी की ऐसी हालत ना मुझसे देखी नहीं जा रही है, लेकिन आप चिंता मत करिए, दादी ठीक हो जाएंगी। मैं भी कॉलेज जा रही हूँ, मेरा कॉलेज जाने का वक्त हो गया है। इतना कहकर नव्या अपना बैग उठाकर वहां से कॉलेज के लिए निकल गई। रास्ते में ही नव्या की दोस्त सिया का घर पड़ता था। नव्या सिया के घर पहुंची। कल तो तुमने मुझे इतना उल्टा सीधा सुनाया था, फिर आज मेरे घर क्यों आई है? अरे जाने देना यार, बस ऐसे ही मूड ठीक नहीं था इसलिए गुस्से में कुछ भी निकल गया। चल ना अब साथ में कॉलेज चलते हैं। अच्छा ठीक है चल। वैसे सिया आप कॉफी पीने चलेगी मेरे साथ? अब देख कल का झगड़ा सुलझाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। अरे नहीं नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम सीधा कॉलेज ही चलते हैं। अरे चल ना, मैंने एक बहुत अच्छी कॉफी शॉप देखी है, अभी शहर में नई नई खुली है, एक बार वहां चलते उसके बाद कॉलेज चलेंगे। ऐसा कहकर नव्या सिया को अपने साथ कॉफी पीने के लिए लेकर जाती है। लेकिन नव्या
सिया को एक बहुत सुनसान जगह पर लेकर पहुंचती है, जहां चारों तरफ कोई भी नजर नहीं आ रहा था। ये तुम मुझे कहां लेकर आई है नव्या? यहाँ तो कोई कॉफी शॉप नहीं है। नव्या ने दूर एक कोने की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो देख वहां पर, वो छोटी सी कॉफी शॉप नजर आई तुझे? अरे वाह, इतने सुनसान इलाके में भी कॉफी शॉप हो सकती है, मैंने तो सोचा ही नहीं था। नव्या सिया को उस कॉफी शॉप में लेकर जाती है, लेकिन वो कॉफी शॉप बड़ी ही अजीब थी। उसमें चारों तरफ कंकाल और मरे हुए लोगों की तस्वीरें लगी हुई थी और एक बहुत ही अजीब सा दिखने वाला आदमी कॉफी बना रहा था। नव्या, ये जगह मुझे कुछ ठीक नहीं लगती, आई थिंक हमें यहाँ से चलना चाहिए। अरे एक मिनट रुक, तो सही में बहुत कमाल की कॉफी मिलती है, तू पिएगी ना तो मजा आ जाएगा तुझे। नव्या ने बड़े ही अजीब ढंग से कॉफी शॉप वाले की तरफ देखा और उसे दो कॉफी बनाने का ऑर्डर दिया। कुछ ही देर के बाद वो आदमी उनकी टेबल पर कॉफी रखकर चला गया, लेकिन जैसे ही नव्या की नजर कॉफी मग पर पड़ी, उसकी चीख निकल गई। कॉफी मग के अंदर कॉफी नहीं बल्कि खून भरा हुआ था। सिया ने उठकर वो कॉफी का मग फेंक दिया। ये क्या मजाक है, कहाँ लेकर आई है तू मुझे? मैं यहाँ से जाऊंगी, मैं यहाँ नहीं रुक सकती, खून ये कहाँ से आया? इतना कहकर सिया जैसे ही वहां से भागने लगी, वैसे ही नव्या अचानक से एक बेहद भयानक साए में तब्दील हो गई। उसका चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था, उसके पूरे शरीर पर बाल निकल आए थे, आंखें लाल हो गई थी और मुंह से नुकीले दांत बाहर आ रहे थे, और बड़ी ही बेढंगी और अजीब आवाज में उसने सिया से कहा, अब तू यहां से बचकर कहीं नहीं जा सकती। देखते ही देखते वो आदमी बाहर आया और बाल पकड़कर सिया को घसीटते हुए उस कॉफी शॉप के अंदर ले गया। वहां ले जाते ही नव्या और उस आदमी ने सिया के शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया और उसका खून एक बर्तन में डालकर पीने लगे। कुछ देर बाद नव्या बिल्कुल पहले जैसी हो गई और अपने घर लौट आई। उसने एक नजर अपनी दादी की तरफ देखा, जिनकी हालत अब भी खराब थी। डॉक्टर या किसी और की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर दादी को हुआ क्या था। एक बार फिर वो काली रात आई। काली रात के साए ने पूरे शहर को घेर लिया था और नव्या अपने कमरे में फिर से अजीबोगरीब हरकतें करने लगी थी। नव्या पहले से ज्यादा ताकतवर और खतरनाक लग रही थी। देखते ही देखते हर बार की तरह उसके कमरे में एक बड़ा सा गड्ढा हुआ और नव्या उसके अंदर कूद गई। उस गड्ढे में जाते ही नव्या ठीक वैसी ही जगह पर पहुंच गई थी जैसी वो कॉफी शॉप की थी, और वही आदमी उसकी आंखों के सामने खड़ा था। अपनी मरी हुई बेटी को जिंदा करने के लिए मुझे तुझे ताकतवर बनाना ही होगा। तेरी रूह जितनी ताकतवर होगी उतनी ही जल्दी मेरी बेटी को उसकी जिंदगी वापस मिलेगी। लेकिन तेरी बेटी को जिंदगी मिलने के बाद मेरा क्या होगा? तुझे मौत मिलेगी, मौत। इस घर की जमीन के अंदर मेरी बेटी का कंकाल दफन है और मैं उसे जिंदा करना चाहता हूँ। मेरी और मेरी बेटी की मौत के बाद हमेशा से मैं अपनी बेटी को फिर से जिंदा करना चाहता था, और जब तू इस घर में रहने आई ना, तब से मैंने सोच लिया था कि तेरे जरिए मैं अपनी बेटी को वापस लेकर आऊंगा। देखते ही देखते नव्या बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। अगली सुबह जब नव्या सोकर उठी तो उसकी गर्दन पर फिर से पहले जैसे निशान थे। इस बार सुमित्रा को उसकी हरकतों पर शक होने लगा था। उसने एक तांत्रिक से इसके बारे में बात की। मुझे कुछ दिनों से मेरी बेटी की हरकतें ठीक नहीं लग रही है। पिछले दो दिनों से उसके सबसे अच्छे दो दोस्तों की मौत भी हो चुकी है और उसकी गर्दन पर वो निशान भी बड़े अजीब है। मेरी सासू माँ की हालत भी बहुत अजीब है।
वो इशारों ही इशारों में मेरी बेटी की तरफ देखकर कुछ कहना चाहती है। तेरी बेटी के सिर पर काली शक्तियों का असर है। कोई तो है जो उसके प्राण निकाल कर किसी और को जिंदा करना चाहता है। मैं देख सकता हूँ, मुझे साफ साफ नजर आ रहा है, एक बुरा साया तेरे घर के चारों तरफ मंडरा रहा है। मैं अपनी बेटी और अपने परिवार को बचाना चाहती हूँ, आप बताइए इसके लिए मुझे क्या करना होगा। ले ले ये धागा, ले जाकर अपनी बेटी के हाथ पर बांध दे और एक रात उसे अपने कमरे में जाने से रोक दे। उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। रात के वक्त जब सब सो गए तो सुमित्रा ने नव्या के हाथ पर वो काला धागा बांध दिया, लेकिन अगले ही पल सुमित्रा जमीन पर गिर पड़ी और उसने तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी। नव्या एक बार फिर से जब उस गड्ढे में पहुंची तो उसके सामने नव्या जैसी दिखने वाली एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। इस लड़की के घर वालों को लगता है कि तू नव्या है, पर वो नहीं जानते कि मैंने उनकी बेटी के प्राण तेरे अंदर डाल दिए हैं। उनकी बेटी तो कब की मर चुकी है और अब इस परिवार के लोग भी धीरे धीरे एक एक करके खत्म हो जाएंगे। इतना कहकर वो दोनों हंसने लगते हैं।